शैतान लेने रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों यह आपके इल्म में है पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के बाइस तालीमी इदारों को तवील मुद्दत के लिए बंद किया गया था। इसके बाद हुकूमत की तयन करदा तारीख के मुताबिक 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे SOPs के साथ खोले गए। मैं आज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मोहम्मदाबाद दन्यूर में मौजूद हूँ और हम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मोहम्मदाबाद दन्यूर के मेन गेट पर हाजरीन। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तयन करदा SOPs के मुताबिक तमाम तालीमी इदारों को खोल दिया गया। SOPs का ख्याल रखते हुए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज की मैनेजमेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के मेन गेट के बाहर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और टेम्परेचर चेक करने के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे मौजूद रखे गए। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मोहम्मदाबाद दन्यूर के स्टूडेंट्स हैं, ये भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए और गवर्नमेंट की तयन करदा SOPs का ख्याल रखते हुए कॉलेज के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अब मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज मोहम्मदाबाद दन्यूर की जो मैनेजमेंट है वो मेन गेट के बाहर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और टेम्परेचर चेक करने के दिगर आलात के साथ हुकूमत के तयन करदा SOPs को फॉलो करते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे असेंबली का टाइमिंग हो चुका है, लेकिन हुकूमत की तय करदा SOPs की वजह से यहाँ पे कॉलेज की जो मैनेजमेंट ने इसने जो है कि असेंबली के टाइमिंग को भी स्किप किया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए अपने क्लासों की तरफ जा रहे हैं। और असेंबली के अंदर स्टूडेंट्स का मजमा जमा होता था और वहाँ पे कोरोना वायरस के फैलने के खदशात हो सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वजह से तय करदा SOPs का ख्याल रखते हुए जो असेंबली का टाइमिंग था उसको भी कम कर दिया गया है। और बल्कि मैं कुछ यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, असेंबली को मुकम्मल तौर पर यहाँ से असेंबली का जो सेशन होता था उसको स्किप कर दिया गया है। इससे पहले जब हम कॉलेज में आते थे तो हमारे एग्जाम 45 पे असेंबली होती थी और 9 बजे हम अपनी क्लासों पर जाते थे, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तय करदा SOPs और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तय करदा SOPs और कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से असेंबली का जो सेशन था इसको भी स्किप कर दिया गया है। और स्टूडेंट्स को ये हिदायत दी गई है कि वो असेंबली में शिरकत किए बगैर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आप क्लासेस के अंदर तशरीफ ले जाइए। इसके बाद दोस्तों हम क्लास के इंटीरियर की तरफ जाते हैं और हम वहाँ पे आपको क्लास के जो सोशल डिस्टेंस और दिगर SOPs का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है वो सारा हाल अहवाल भी हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2B गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है और यह आपके इल्म में है कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट जिसका नाम है वो नेपाल के अंदर पाई जाती है और दूसरी जो दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है जिसका नाम K2 8611 मीटर इसकी बुलंदी है और यह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं कि हमारे कॉलेज के अंदर हमारे अपने जो पॉपुलर चीज़ें हैं उसको कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से प्रमोट करने की कोशिश की गई है। और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि K2 का बाकायदा यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है और बेहतरीन अंदाज से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। यहाँ पे दूसरे जगहों पे भी हम यही मतलब कॉलेज के जो मैनेजमेंट होते हैं हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट कर लेंगे इस तरीके से अपने जो इलाके हैं अपने मुल्क के जिस पॉपुलर प्लेसेस हैं उसके सीक्रेट्स ड्रॉप कर दिए जाएँ और स्टूडेंट्स को इसके हवाले से आगाही मुहैया की जाए। दोस्तों जैसा कि आप खेल में है और ये कहा भी जाता है कि जिस मुल्क के खेलों के मैदान आबाद रहते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं और जिस मुल्क के खेलों के मैदान वीरान रहते हैं उस मुल्क के अस्पताल आबाद रहते हैं। दोस्तों हम इस वक्त मौजूद हैं कॉलेज के स्पोर्ट्स साइट पे और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो कि कॉलेज के अंदर जब भी स्पोर्ट्स वीक होता है उसमें हमें ग्राउंड की ज़रूरत होती है और कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से
स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन ग्राउंड मुहैया करने की कोशिश की गई है और इसकी एक कड़ी आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो कि एक बेहतरीन ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में यह ग्राउंड भी मुकम्मल हो जाएगा और इसके अंदर हम आसानी से स्पोर्ट्स वीक का जो हमारा सेशन होता है वो हम मुकम्मल कर लेंगे। इस वक्त जो हमारा स्पोर्ट वीक का जो हमारा सेशन होता है वो कॉलेज के फ्रंट साइड पे होता है, वहाँ पे ग्राउंड तंग होने की वजह से हम इस स्पोर्ट्स वीक को मुख्तसर से मुख्तसर करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं इंतहाई बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो ही इसका कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल होगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे स्पोर्ट्स वीक अरेंज किया जाएगा और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इजली तौर पर यहाँ से मुस्तफीद हो सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वक्त हम बस स्टेशन पर मौजूद हैं और आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो यहाँ पे बसेस मौजूद हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कॉलेज स्टाफ की तरफ से मैनेजमेंट की तरफ से बसेस को चालू नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि बसेस के जो स्ट्रेंथ होती है, इसकी जितनी ज़रूरत होती है, जितने स्टूडेंट्स इसके अंदर कैपेसिटी में आ सकते हैं वो अभी तक फुलफिल नहीं हो चुके हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट के तय करदे SOPs के मुताबिक 3 दिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और 3 दिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ता है और उसमें से भी पार्टिकल स्टूडेंट्स बस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो बसेस हैं इस वक्त खड़े हैं और जो ही इसकी स्ट्रेंथ पूरी होगी और इसकी कैपेसिटी के मुताबिक इस बसेस को भी रन किया जाएगा और जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और इसे ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज इससे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपकी खिदमत में हमारी तरफ से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी। आपने देखा कि हमारे कॉलेज के अंदर जिस तरीके से SOPs का ख्याल रखा जाता है, हमने आपको सब दिखाया। कॉलेज असम्बली से लेकर क्लास की सिचुएशन से लेकर सारे SOPs का जो हुकूमत की तरफ से मेंशन किए गए हैं, सारे SOPs का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है और बसेस को किस तरीके से रन करते हैं, ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी। और यहाँ पे ये बात भी बताते चले कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की तरफ से सोशल डिस्टेंस और मेन गेट के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और टेम्परेचर चेक करने के जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे फराहम किया जाता है। हम उम्मीद रखते हैं दीगर तालीमी इदारों के अंदर भी वहाँ की मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया करें और वो तमाम SOPs का ख्याल रखा जाए जो हुकूमत ने मेंशन किया है, ताकि हम अपने तालीमी सफ़र को जो कोरोना के 22 पिछले 5-6 महीनों से इंतहाई असरअंदाज हो चुका है, अगर हम इन SOPs का ख्याल रखेंगे और इन SOPs को फॉलो करते हुए अगर हम अपने तालीमी निज़ाम को आगे तक ले जा सकेंगे तो इसमें सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। गवर्नमेंट ने जो SOPs इसके ऊपर मेंशन किया है, इसमें स्टूडेंट्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, उसमें टीचर्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, अगर हम इसके ऊपर मुखलिस होकर इसको फॉलो करेंगे तो हम अपने तालीमी निज़ाम को एक बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।